परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद् गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आज हम भगवत गीता अध्याय का श्लोक 8वां पे चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे महारथी कर्ण के बारे में। कर्ण जो प्रतीक है अनुराग का, आसक्ति का। कर्ण का पूरा जीवन यदि आप देखें तो वो जीवन है संघर्ष का, जो प्रेम के लिए है, जो सम्मान के लिए है, जो अनुराग के लिए है। और अंततः जाके उसको दुर्योधन से अनुराग मिलता है और वो अधर्म के साथ खड़ा हो जाता है, धर्म के विरुद्ध। महाभारत के युद्ध के दौरान जब कृष्ण कर्ण को समझाने जाते हैं कि वो ज्येष्ठ कुंती पुत्र है, इसीलिए वो युद्ध ना करे, तब कर्ण कृष्ण को कहता है, हे कृष्ण, मेरा पूरा जीवन देखिए, पैदा होते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया, एक विरक्तिपूर्ण मैंने जीवन जिया, सारथी पुत्र के रूप में मैंने जीवन जिया। जब मैं युवा हुआ सबके सामने मुझे अपनाने अपमानित होना पड़ा, उसके बाद भी केवल पहला व्यक्ति था दुर्योधन जिसने मुझे सम्मान दिया, अनुराग दिया, आज मैं उससे दूर कैसे हो जाऊं। ये उत्तर सुनते ही कृष्ण ने कर्ण को कहा, हे कर्ण, तुम्हारी बात उचित है, पर जरा मेरे जीवन को भी तो देखो। मुझे भी पैदा होते ही मेरे माता पिता ने त्याग दिया। मैं तो गर्भ में इस भय से पैदा हुआ था क्योंकि मुझसे पहले कई शिशु पैदा होते ही मार दिए गए थे। मैं जिस गांव में पहुंचा उस गांव की सारी समस्याओं का जड़ मैं ही था, ये बात का मुझे अच्छे से एहसास था। मेरे सगे मामा जी ने मेरी हत्या करने का प्रयास किया। कृष्ण ने आगे जोड़ा, कर्ण, ये सच है कि तुम्हें गुरुद्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया था, पर यह भी तो देखो, मैं तो 10 साल की उम्र तक शिक्षा से ही वंचित रहा। कर्ण, तुम दुनिया को यह जरूर बताते हो कि गुरुद्रोण ने मना किया, पर यह क्यों नहीं बताते कि तुम्हें शिक्षा के लिए चुना गुरुद्रोण के भी गुरु स्वयं परशुराम ने। कर्ण, तुम्हारी शादी तो उस लड़की से हुई जिसको तुम प्रेम करते थे। मेरी तो 16,000 रानियां थी, पर जिसको मैंने प्रेम किया उससे मेरी शादी भी ना हो सकी। ये पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध यदि दुर्योधन जीतता है तो जीत का सहरा तुम्हारे सर बंधेगा, पर अगर पांडव जीतते हैं तो शायद मुझे श्राप मिल जाए। मैं तो किसी पक्ष में नहीं, पर फिर भी मैं धर्म के साथ खड़ा हूं। जानते हो क्यों? हम दोनों का जीवन बिल्कुल एक जैसा है कर्ण, पर तुम्हारा जीवन अनुराग की खोज है और मेरा जीवन तटस्थ है। मैं बीच में रह के दुनिया को देखता हूं, तटस्थ होके साक्षी भाव से मैं इस दुनिया को देखता हूं, इसलिए मैं धर्म के साथ खड़ा हूं। और देखो, तुम सारथी पुत्र होने में शर्मिंदा महसूस करते हो और मैं स्वयं क्षत्रिय होके अर्जुन का सारथी बना हुआ हूं, पर इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। जिंदगी वैसी ही होती है कर्ण जैसी तुम उसको देखते हो। हमारे जीवन के कई बार सुखों के मूल में भी अनुराग होता है, पर इसके विपरीत दुखों के मूल में भी अनुराग होता है। कुछ दिनों पहले कहीं बम फटने की खबर आई तो लोग उसको पढ़ते हैं और कुछ पल मन दुखी होता है, पर फिर भूल जाते हैं। और वहीं यदि उनका बच्चा तीसरी में फेल होता है या एक टेस्ट में ही फेल होता है तो कई दिन तक मूड ऑफ रहता है क्योंकि बच्चे से अनुराग ज्यादा है। कुछ दिनों पहले अमेरिका में एक महिला ने उसके डाइवोर्स होने के बाद आनंद में अपने मैरिज गाउन में बारूद भर के विस्फोट किया। वो विस्फोट इतना बड़ा था कि 25 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। वही व्यक्ति जो कल तक शादी तक उसके आनंद का कारण था, आज उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि अनुराग समाप्त हो गया था। यह कैकेयी का अनुराग था भरत के प्रति जिसने रामायण की शुरुआत की। यह धृतराष्ट्र का अनुराग था दुर्योधन के प्रति जिसने महाभारत की शुरुआत की। सरे दरबार शिशुपाल गालियां देते थे कृष्ण को। लोग कृष्ण को कहते थे, आप तो सुदर्शनधारी हैं, आपका दर्शन उच्च है, इसका संहार क्यों नहीं करते। कृष्ण बताते थे, मेरी बुआ का बेटा है। एक बार खाना खिलाते समय बुआ ने मुझसे वचन लिया था कि तू इसकी 99 गलतियां माफ करना। कृष्ण ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी गालियां सुन नहीं रहा, मैं वचनबद्ध हूं, मैं इसकी गालियां गिन रहा हूं। जिस दिन इसने 100वीं गाली दी, सरे दरबार में इसकी गर्दन काट दूंगा। कितनी अजीब बात है, शिशुपाल की माता जी कृष्ण से वचन लेना याद रखा कि वो 99 गलतियां शिशुपाल की माफ करें, पर अपने बेटे को अनुराग में यह सिखाना भूल गई कि 99 गलतियां वो करे ही ना। इसीलिए गुरु नानक कहा करते थे, दुख दारू सुख रोग भयो। कई बार दुख दवा का काम करता है और आदमी को संभाल देता है जीवन में, और कई बार ज्यादा सुख आदमी को बिगाड़ देता है जीवन में।
स्वामी चिन्मयानंद जब उन्होंने संन्यास लिया तो पत्रकार उनसे पूछने पहुंचे कि आप तो इतने महान जर्नलिस्ट थे, फिर आपने एकदम से संसार से विरक्ति क्यों ले ली, आपका अनुराग क्यों खत्म हो गया। वो जर्नलिस्ट कुछ चबा रहा था। स्वामी जी ने पूछा तुम क्या खा रहे हो। उसने संकोच में कहा मैं च्युइंगम खा रहा हूं, मैं थूक के आता हूं। स्वामी जी ने बोला नहीं थूकने की बात नहीं, मुझे बताओ ये च्युइंगम तुम कब तक खाते हो। उसने बोला जब तक रस आता है तब तक चबाता हूं, नहीं तो थूक देता हूं। मुस्कुरा के स्वामी जी ने उत्तर दिया मुझे भी दुनिया में जब तक रस आता था, अनुराग आता था, मैंने इसे खूब चबाया। अब मुझे रस आना बंद हो गया, मैंने इसे थूक दिया। तो दोस्तों अनुराग और विराग के बीच में जीवन है। तटस्थ और साक्षी भाव से चीजों को देखना ही जीवन है। नमस्कार।